सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी है सभी जब अंधेरे में भटक रहे जिंदगी में हैरानी बीत जाए दिन हैरानी में बीत जाए दिन पल पल सपने हो सके ना अपने रुक गए सारे सपने सपने हो सके ना अपने चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ आज ढूंढ लो सुबह नहीं सुबह नहीं सुबह नहीं सुबह देश की सेवा करने का संकल्प लेकर सभी लोग होमगार्ड की नौकरी करने आते हैं। रत्ना का पति भी एक होमगार्ड था। पति के गुजर जाने के बाद रत्ना बिल्कुल असहाय हो गई थी। जीवन के हर क्षेत्र में उसने साक्षर बनने की जरूरत महसूस की। इस सत्य कथा में रत्ना, सोनाली और बाकी सभी चरित्र वास्तविक हैं। इन्हें एक नए जीवन की तलाश है और शिक्षा इनके जीवन में लाती है एक नई सुबह। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पुरुषों के साथ ताल से ताल मिलाकर आप लोग भी जनता की सेवा में अपने को नियोजित किया है। आपकी ट्रेनिंग एक दिन खत्म होगी, पर याद रखिए कि एक ही साथ शुरू हुई है एक नई शिक्षा जो आपको आगे ले जाएगी। आप लोगों में से कईयों के अपने जो पुलिस में काम करते हुए मारे गए उनके महान दायित्व की बात मन में रखकर आशा करते हैं आप भी जंगल की सेवा में अपने को लगाएंगे। धन्यवाद। क्या करूं बोल तो सोनाली, मैं तो पढ़ना ही नहीं जानती। पर मैं भी क्या पढ़ना जानती हूँ, और तू ही बोल, लिखना पढ़ना नहीं जानने से आजकल क्या आगे बढ़ सकते हैं? इसीलिए ही तो मैंने तय किया है, बेटी को लिखना पढ़ना जरूर सिखाऊंगी। hey, तेरी बेटी की उम्र कितनी है? अभी 8वें में कदम रखा है। अभी तो 4 दिन की छुट्टी है, क्या करेगी? सोचती हूँ घर से एक बार हो आऊं। बिटिया कैसी है, क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन बड़ा बेचैन है रे। पर तू क्या करेगी सोनाली? मैं और क्या करूँ, मेरा तो कोई नहीं है, कहीं जाने की जगह भी नहीं। ब्याह के बाद पति ही मर गए, तभी जो अकेली हुई, अब भी अकेली। जानती है रत्ना, तेरे भैया इस नौकरी को इतना अच्छा मानते थे कि जान भी दिए इसी नौकरी के लिए। तो जब भी ये नौकरी मिली, सोचा चलो मैं भी लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगी। बीनू के बाबा जब चल बसे, कितनी विपदा में पड़ गई थी। सर पर बड़ा परिवार, बूढ़े बाप माँ, और फिर ये बेसहारा लड़की, उसको लेकर कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ सोच नहीं पा रही थी। और जब कुछ सोच नहीं पा रही थी, ठीक उसी समय बीनू के बाबा की नौकरी मुझे मिल गई। मेरा इतना उपकार हुआ है,
सच। यहाँ आने के पहले सोचती थी मेरी जैसे अभागन और कोई नहीं है, अब देखती हूँ अनेक है। जानती हो रत्ना, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ ऐसा काम करूं जिससे सबका उपकार हो। अरे बाप रे, अब और नहीं। और एक बार नाना जी। अच्छा, ठीक से पकड़, घोड़ा घूम सा है। ये घुमा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे रत्ना, तू माँ आ गई। आ रत्ना। अजी सुनती हो, कहाँ गई? देखो कौन आया है। अरे बिटिया, तू क्यों रे, यूं अचानक चली आई? बैठ। चार दिनों की छुट्टी मिली थी, सोचा तुम लोगों से मिलती जाऊं। तुम्हारी नौकरी कैसी है? खूब मेहनत पड़ रही होगी। वो तो होगी माँ। क्यों रे, वो कुछ रुपया पैसा देंगे, कुछ बोले हैं? शुरू में तुम्हारे दामाद जो पाते थे उतना ही देंगे। चलो अच्छा ही हुआ, अब और कोई चिंता नहीं रही। नहीं माँ, अभी बहुत कम बाकी है। बाबा, तुम तो यज्ञ मास्टर को जानते हो, उसके स्कूल में अगर बीनू को भर्ती करा दो तो बहुत अच्छा होगा। ये क्या रे, ये क्या बात हुई? उसको लिखना पढ़ना सिखाने की क्या जरूरत है? देखना, देखते देखते बड़ी हो जाएगी, तब तक कोई अच्छा सा लड़का देखकर बीनू की शादी कर देंगे। नहीं माँ, ये नहीं होगा। बीनू लिखना पढ़ना सीखेगी, उसके बाबा की भी यही इच्छा थी, और मैंने देखा है लिखना पढ़ना नहीं सीखने से कितनी तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहती माँ बीनू का भविष्य मेरे जैसा हो। तो तू लिखना पढ़ना नहीं सीखी तो तेरा क्या बिगड़ गया? सुनो, ये नौकरी तो मिली। ये नौकरी मुझे अपनी योग्यता से नहीं मिली। उस दिन की बात मैं आज तक नहीं भूली, आज भी नहीं। टेलीग्राम। मामा, टेलीग्राम आया है, टेलीग्राम। अम्मा को बुलाओ। किसका टेलीग्राम? आपका ही भाभी। जरा पढ़ दोगे भैया? बहुत बुरी खबर है भाभी, दिवाकर भैया अब नहीं रहे। दिवाकर अचानक चला ना जाता तो तुम्हें इतना दुख ना झेलना पड़ता बेटी। तुम चाहे जो बोलो, रत्ना ठीक कहती है, बीनू को लिखना पढ़ना सीखना होगा, बहुत आगे बढ़ना होगा। ए, तुम अब कोई गड़बड़ मत करना, मैं अब पुलिस हूँ। तू स्कूल जाएगी ना, पढ़ेगी ना? हाँ। तेरे बाबा को बहुत उम्मीद थी, तुझे लिखना पढ़ना सिखाएंगे, तुझे एक अच्छा इंसान बनाएंगे। तुम कुछ चिंता मत करो माँ, मैं पढ़ लिख कर तुम्हारी तरह पुलिस बनूंगी, बाबा की तरह बहुत बड़ी पुलिस बनूंगी, तब तुम्हें और कोई चिंता नहीं रहेगी, है ना माँ? ले आई, ले आई, ले आई, पीछे फुट, एक दो तीन आई, दब आई, दब, ले आई, ले आई, पीछे फुट, एक दो तीन आई, ले आई, ले, ले आई, ले आई, ले आई, पीछे फुट, एक दो तीन आई, ले आई, ले, ले आई। अच्छा, इन साहब से कहाँ मुलाकात होगी आप बता सकती हैं? असल में मैं पढ़ नहीं सकती,
आप किसी और से पूछ लीजिए ना। अच्छा, ये कहाँ मिल सकते हैं आप बता सकती हैं? ओह, आप बर्मन साहब को खोज रही हैं? सामने आगे जाइए, वो जो ऑफिस है उस ऑफिस से थोड़ा बाएं मरने पर मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, एक काम कीजिए, वो जो दो लड़कियां खड़ी हैं, वो है रत्ना और सोनाली, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको उसी साहब का कमरा दिखा देंगी। अच्छा ठीक है, मुझे इस तरह जल्दी है। हाँ बापरे, खूब बच गए हम लोग। खैर है कि तूने ठीक समय पर इशारा कर दिया, नहीं तो पकड़े जाते। वो भली औरत क्या सोचेगी बोलते? कुछ नहीं सोचेगी, छोड़ तो। कागज दिखाकर अगर समझती हम दोनों पढ़ना ही नहीं जानते तो क्या सोचती? हाँ, मैंने जैसे ही देखा माला को कागज दिखा के कुछ पूछ रही है, तभी सोचा मामला गड़बड़ है। अरे माला भी तो हमारी तरह अनपढ़ है ना। चलो अच्छा ही हुआ। अब क्या बोले बापरे, कितनी हंसी आ रही है। ठीक ही कहा आपने, आपको बचपन में पुलिस से डर लगता था? इतने दिनों जानता था चोर डाकू ही पुलिस से घबराते हैं। नहीं वो नहीं, मैं तो बचपन की बात कह रही थी। समझ गया समझ गया। तो जो हो, हम लोग बाघ भालू नहीं, आपकी तरह साधारण लोग हैं। सिर्फ वही नहीं, आपकी साक्षरता अभियान में हम अगर काम आ सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यदि बुरा न माने तो एक बात कहूँ? जरूर बोलिए। यहाँ आते समय दो एक लोगों से आपका नाम दिखाकर पूछा तो देखा कोई पढ़ नहीं सकती, तो वे क्या पढ़ना लिखना नहीं जानती? देखिए, आप जिनकी बात कर रही हैं, उनके परिवार में से कोई ना कोई पहले होमगार्ड में नौकरी करते थे। कर्मरत अवस्था में मौत हो जाने से उनके परिवार के किसी न किसी को उनकी जगह नौकरी दी गई। इस मामले में अब कौन पढ़ा लिखा है और कौन अनपढ़, वो देखने की जरूरत नहीं। अब मैं एक और बात पूछ रही हूँ, यहाँ रत्ना और सोनाली नाम की दो लड़कियाँ ट्रेनिंग में हैं? हाँ, क्यों कहिए तो। नहीं वैसे कोई बात नहीं है, मुझे देखकर वे दोनों लड़कियाँ भाग क्यों गई यही जानना चाहती हूँ। आश्चर्य, अजीब बात है। बोले साहब। हाँ, तुम महिला होमगार्ड रत्ना सोनाली को जानते हो? हाँ साहब। जरा उन्हें बुला लाओ। जी साहब। अच्छा, मैं अगर बैरक में ही एक साक्षरता केंद्र शुरू करूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं? किनके लिए? ये ही जो यहाँ निरक्षर हैं उनके लिए। कृष्णा देवी, इनको जरूरत थी एक नौकरी की, वो इन्हें मिल गई है। अब क्या कोई लिखना पढ़ना चाहेगी? आप अगर अनुमति दें तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। अवश्य ही, मैं आपको हर तरह की सहायता देने के लिए प्रस्तुत हूँ। अच्छा, तब मुझे वहाँ देखकर तुम लोग भाग क्यों गए? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं देती? सच बात कहूँ सर? हाँ बोलो, सुनना चाहता हूँ। जी शर्म से। शर्म से? हाँ शर्म से। दरअसल हम पढ़ना लिखना नहीं जानती ना, इसीलिए भाग गई हम। पढ़ना लिखना नहीं जानती तो शर्म आती है? हाँ दीदी। लेकिन शर्म छोड़कर लिखना पढ़ना सीखने से ही चलेगा? इस उम्र में लिखना पढ़ना सीखा जा सकता है दीदी? सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती। पर हमें सिखाएगा कौन और हम सीखेंगे कहाँ? क्यों, हम सिखाएंगे। और यदि हम यहीं एक साक्षरता केंद्र शुरू कर दें तो तुम और तुम्हारी तरह और भी जो पढ़ना लिखना नहीं जानती उन्हें भी सिखाना शुरू कर देंगे। खूब अच्छा रहेगा। लेकिन अब लेकिन क्या? नहीं माने, हमारे पास वक्त कहाँ, इतना सारा काम सारा दिन। उसके लिए तुम चिंता मत करो, अगर तुम लिखना पढ़ना सीखना चाहती हो, जिन दिनों तुम्हारा केंद्र चालू रहेगा उन दिनों काम का समय 2 घंटे कम कर दिया जाएगा। पर दीदी, हम सीख पाएंगे ना? क्यों नहीं सीख पाओगी, जरूर सीखोगी। तो फिर यही बात रही मास्टर जी? हाँ, आप कल ही मीनू को स्कूल भेज दीजिए। क्यों बेटी, मन लगाकर पढ़ोगी ना? हाँ। तुम्हारे बाबा भी मेरे पास पढ़ते थे। दिवाकर अक्सर बोला करता था कि मास्टर जी, आपने जैसे मुझे पढ़ाया है, मेरे लड़का लड़की होने पर उन्हें भी उसी तरह पढ़ाइएगा।
सभी मेरी किस्मत। उस समय अगर मैं बीमार न पड़ा होता तो दिवाकर पढ़ना लिखना जारी रखता। क्या करता, मजबूर होकर नौकरी करनी पड़ी। वो तो है ही, दिवाकर पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वो जरूर और भी बड़ी जगह जा सकता था। मुझसे आखिरी बार मिलने पर कहने लगा कि समय रहने पर वो पढ़ाई भी करेगा, प्राइवेट परीक्षा देगा। वो सुख की किस्मत में नहीं था। जानते हैं मास्टर जी, दिवाकर की याद आते ही अब भी दुख से छाती फटने लगती है। अब बीनू बेटी, तुम्हारी माँ नहीं आई? माँ तो पुलिस है। अच्छा, दिवाकर तो काम करते करते चल बसा, तब रत्ना को उन्होंने नौकरी दे दी। अच्छा अच्छा, तो बीनू बेटी तुम्हें मन लगा के पढ़ लिख कर माँ को दिखा देना होगा, तुम बहुत बड़ी बन सकती हो। बड़ी? इतनी बड़ी? मेरी रानी बिटिया। अच्छा, आप सब 33वां पन्ना खोलिए। तो खोल लिया? अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ क्या लिखा है, कच्चे कंदमूलों के गुण। क्या लिखा है? कच्चे कंदमूलों के गुण। मैं इस किताब से जो बोलूंगी आप भी मेरे साथ उसी तरह जो मैं बोलती हूँ उसी तरह बोलेंगे। अच्छा, कच्चे कंदमूलों में बहुत गुण हैं। कच्चे कंदमूलों में बहुत गुण है। महंगी दवाइयाँ लेने से ये सब खाना बहुत अच्छा है। महंगी दवाइयाँ लेने से ये सब खाना बहुत अच्छा है। शाक सब्जियों में भी बहुत गुण है। साग सब्जियों में भी बहुत गुण है। घर के आसपास ये उगाई जाती हैं। घर के आसपास ये उगाई जाती है। मात्रा दो फिर। वाह, ये क्या है? माँ। वाह, इसमें आकार लगाने से क्या होगा? माँ। वाह, बहुत अच्छे। और एक माँ देने से क्या होगा? मामा। वाह, मामा। हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। कितनी नदियों, सागर, पहाड़ और बनों से भरी है ये पृथ्वी। कितनी नदियों, सागर और पहाड़ और बनों से भरी है ये पृथ्वी। कितने शहर, ग्राम, हाट और बाजार। कितने शहर, ग्राम, हाट और बाजार। कहीं लोगों की कितनी भीड़। कहीं लोगों की कितनी भीड़। चला फिरा नहीं जाता। चला फिरा नहीं जाता। अच्छा, ये साहब कहाँ मिलेंगे आप बता सकती हैं? ओ, आप बर्मन साहब को ढूंढ रही हैं? वो सामने, और थोड़ा आगे जाइए। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, ये बर्मन साहब कहाँ बैठते हैं आप बता पाएंगे? ओ, बर्मन साहब? हाँ, यही तो सामने। असल में मैं जल्दी में हूँ, आपके साथ नहीं जा पा रही हूँ। वो तो रत्ना और सोनाली आ रही है ना, उनसे पूछिए, वो आपको उसी सबका कमरा दिखा देंगी। किसे खोज रही है? इन साहब को। ओ, तुम शायद काम पर नई नई आई हो। हाँ दीदी। वाह, बहुत अच्छे। चलो, हम तुम्हें उसी साहब के कमरे में ले जाते हैं। चलो चलो चलो। Hey, out!
से उठ। ले दो तीन आए ले आए ले ले आए ले आए ले आए ले पीछे उठ। एक दो तीन आए कदम चार ले आए ले ले आए ले आए ले आए ले ले आए ले आए ले आए ले ले आए ले आए आगे बार ले आए ले आए ले आए ले पीछे उठ। एक दो तीन आए ले आए ले ले आए ले आए ले आए ले पीछे उठ। एक दो तीन आए ले आए कट हाँ अच्छा तुम जरा यहाँ आओ तो कहो तो ये क्या लिखा है। जा बहुत अच्छा अब चौक लेकर इस शून्य स्थान को पूर्ण करो। वाह बहुत अच्छे अब कहो तो ये क्या हुआ। जल अब जाके बैठ जाओ। आप सबका उत्साह और आग्रह देखकर हम सब खुश हैं। आप सब इतनी जल्दी प्रथम दो पाठ खत्म कर लेंगे ये हमने सोचा भी नहीं था, इसलिए द्वितीय पाठ की पढ़ाई शुरू करते हैं। आप में से किसी को कोई असुविधा हो तो पूछने में शर्माइएगा मत। क्यों दीदी? रत्ना दीदी को कोई बुला रहे हैं। रत्ना तुम्हें कोई बाहर बुला रहा है। अरे विनु बेटी तू? माँ माँ मैं स्कूल में भर्ती हो गई। ऐसा? हाँ क्या जोश, तू अगर देखती तो। विनु मैं भी एक स्कूल में भर्ती हुई हूँ। सच्ची? हाँ रे। बोलो ना कहाँ है तुम्हारा स्कूल? तू जाएगी? चल जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी है सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी हैरानी बीत जाए दिन हैरानी में है बीत जाए दिन।